नमस्कार, मैं हरि नारायण कुमार। साथियों, मैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से रिलेटेड ज़्यादातर वीडियो लेकर के आता रहता हूँ, आप प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं। इसमें आज मैं बात करूँगा, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत चयनित लाभुकों का प्रथम चरण के प्रशिक्षण होता है। मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि पहले इसका आवेदन होता है, इसमें 10 लाख की राशि मिलता है, जिसमें 5 लाख माफ है, 5 लाख आपको लौटाना पड़ेगा। अब ऐसे में क्या होता है कि दो बार प्रशिक्षण होगा, जैसे पहला किस्त मिलने से पहले और दूसरा किस्त मिलने से पहले। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जैसे कि दो चरण में आपका प्रशिक्षण होगा, पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया। तो इसमें क्या है कि पहला किस्त मिलने से पहले आपको पहला फेज का ट्रेनिंग होगा और दूसरा चरण होता है, पहला किस्त जब मिल जाता है और दूसरा किस्त मिलने से पहले और पहला किस्त मिलने के बाद प्रशिक्षण होता है। तो द्वितीय किस 134 यहाँ पे देखा जाए, 134 लोगों का दूसरा किस्त आने वाला है। दूसरा किस्त वैसे लोगों का आएगा जिन्होंने ट्रेनिंग किया हो, और यानी पहला किस्त का जो पेमेंट मिलता है उसका खर्च का ब्यौरा, उपयोगिता प्रमाण पत्र, ये सब अपलोड किए होंगे, तब आपका प्रशिक्षण होगा, उसके बाद आपका ये होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो वही बात यहाँ पे बताया गया है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत पहला चरण का प्रशिक्षण हुआ था, उसके बाद प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने के उपरांत जिनका उपयोगिता प्रमाण पत्र सही पाए गए हैं, वैसे 134 लाभुकों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण कराया गया। कहाँ पे? जैसे सीपेट भागलपुर हो गया। आप अपना कब आपका प्रशिक्षण हुआ था वो ध्यान दीजिएगा। तो इनका कहना है कि जैसे 61 आवेदन जो था, कब से कब प्रशिक्षण हुआ भागलपुर सीपेट में, 26 फरवरी 2024 से लेकर के 2 मार्च 2024 तक जिनका प्रशिक्षण हुआ था, वैसे 61 आवेदक को चिन्हित किया गया है। और यहाँ पे सीपेट हाजीपुर की 26 फरवरी से लेकर के 2 मार्च यानी तो ये हो गया 73 लोग, तो 61 हो गया और 73 हो गया, इसको जोड़िएगा तो 134 आवेदक हो गया। तो इस प्रकार द्वितीय चरण में कुल 134 लाभुकों का प्रशिक्षण पूर्ण कर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सूची उपलब्ध कराया गया है। ये सूची हमारे पास नहीं है क्योंकि ये प्राइवेसी के तहत इस लाइव यहाँ पे नहीं है, आप यहाँ पे जिला उद्योग केंद्र में उपलब्ध करा दिया गया है। अब उक्त प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त सूची के आधार पर ये कुल 134 लाभुकों को द्वितीय किस्त की स्वीकृति महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के स्तर से करने की हेतु लाभुकों की सूची संबंधित महाप्रबंधक को प्रेषित की जा रही है। अब इसमें संबंधित महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को निर्देश दिया जाता है कि संलग्न सूची के आधार पर 134 जो लाभुक हैं उसका द्वितीय किस्त की 3 दिन के अंदर में उसको भुगतान करना है। जब सेंशन लेटर जब जारी हो जाता है तो उसमें 3 दिन के अंदर में आपको पेमेंट में खाता चला जाएगा। तो ये आई होप बहुत का पेमेंट चला भी गया होगा, नहीं तो कुछ का बाकी होगा। तो आपको हमको लगता है कि आज 17 तारीख है तो 20 मार्च से लेकर के 25 मार्च से पहले आपको इसी बीच में पेमेंट आप लोगों का गिर जाएगा, जिनका प्रशिक्षण ये 26 फरवरी से लेकर के 2 मार्च के बीच में हुआ होगा। तो वैसे 134 लोगों का जो प्रशिक्षण हुआ है, 134 लोगों का 20 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक, मेरा मानना है आप लोगों का पेमेंट बहुत जल्द भेज दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ए स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है, UDYAEMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है, BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा, टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा लॉगो भी लग रहा है।